नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उमरी के पास, कुरुक्षेत्र के उमरी के पास नेशनल हाईवे 44 से। जी हाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े ट्रेलर पर बॉयलर जो इस तरह से लेके जाते हैं, जो बॉयलर बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं, मशीनरीज में यूज़ होते हैं, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े जो पुल है, फुटओवर ब्रिज होता है, पैदल जो है चलने के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है, उसमें किस तरह से वो भीड़ जाता है बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऊंचा ज़रूर है, लेकिन पहले जो पिछले पुल है उनसे निकलकर ज़रूर आया है। ड्राइवर से बात करेंगे कि क्या पिछले जो पुल थे उन पर भी उन्हें इस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये सड़क बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले बनाई गई है। आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र की ये सड़क बनाई जरूर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सड़क को उखाड़ कर लेवल जो है वो बराबर कर बनाया गया था। एक बार आपको उस तरफ से दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पुल का भी नुकसान ज़रूर हुआ है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरास जरूर लगे हुए हैं, जो ट्रैफिकिंग के लिए लगे होते हैं, चलानिंग के लिए लगे होते हैं। और साथ साथ आपको दिखा दें कि सामने की तरफ से कितना कुछ जो है नुकसान हुआ है। एक बार ड्राइवर से भी बातचीत करेंगे कि कैसे जो है ये इसमें भीड़ा है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आगे की तरफ से पहले वो निकला है और उसके बाद लास्ट में वो किस तरह से फंस जरूर गया है। बॉयलर की ऊंचाई का भी जो है वो पता जरूर लगाएंगे एक बार कैसे लगा ये। और पीछे ऐसे पुल थे, वहाँ से निकल गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी सर, हम पंजाब से आ रहे हैं चल के, लुधियाने से लेके अम्बाले तक कम से कम 40-50 पुल अम्बाले तक, अपना अम्बाले से जब तक इधर आए 20-25 इधर तक हो गए। आप इधर देख सकते हैं सामने 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर इधर भी दिखाई दे रहा है, आधा किलोमीटर इधर भी दिखाई दे रहा है, सारे सही क्रॉस करके आए हैं। लेकिन यहाँ रात का टाइम था, लाइट पड़ रही थी, जब तक हमने गाड़ी रोकी है, जब तक नीचे ब्रेक लेते लेते गाड़ी नीचे चली गई। हमारे पे इतना मालूम नहीं था भी इतना नीमा होगा, बाकी देखते हैं शायद रोड बनने के कारण हो गया। वैसे गाड़ी पीछे जब कोई दिक्कत नहीं हुई तो यहाँ हमारे दिमाग ऐसे था भी यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी या पीछे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कितने ऊंचे होते हैं ये जो बॉयलर है, इसकी क्या कुछ ऊंचाई होगी? इनकी 14x14 की हाइट होती है जी, 14x14 होता है, 14 बड़ी लंबा होता है, तो 5-4 फुट की गाड़ी 18 फुट हाइट हो जाती है जी। तो आप मतलब ये पीछे से निकल आए, तो क्या यहाँ पर क्या कारण लगता है? आप पंजाब से आ रहे हो? हाँ जी, हम आ तो हिमाचल से रहे हैं बद्दी से जी। अच्छा, लेकिन हमारा रूट था जो पंजाब होके बनता है जी रूट, क्यों रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, फ्लाई ओवर पड़ते हैं, उनके नीचे के निकलने के कारण हमारा रूट इधर से बनता है जी। पुलिस मौके पर आई है कोई? हाँ जी, हाँ जी, रात पुलिस वाले आए थे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, कितने बजे हुआ है हादसा? 11 बजे हुआ है, रात 11 बजे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा कोऑपरेट किया पुलिस वाले ने, कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी से कुछ निकालने के लिए बता रहे हैं कोई, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, अभी इंजीनियर साहब आए थे रोड वाले, वो बोल रहे हैं ये पुल काट के उतार के फिर गाड़ी निकालेंगे। अच्छा, मतलब पुल बीच में से खोलना पड़ेगा? हाँ जी, दो पार्ट में बोल रहे हैं, बाकी हमारे को अच्छी तरह मालूम है, हम भी बात ही सुन रहे हैं कोल खड़के ही। अच्छा, अभी मतलब कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा? बोल नहीं, समाधान तो बोल रहे निकल गया, रात को काम चालू करूंगे, दिन में ट्रैफिक करनी है, रात को निकालेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, किसी को चोट नहीं? किसी को चोट नहीं आई जी। आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मनजीत सिंह जी। तो फिलहाल एक बार फिर से दिखा दें कि ये पुल बताया जा रहा है कि 2 हिस्सों में ज़रूर बना हुआ, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो नई सड़क है, हो सकता है कहीं पर जो मापन है वो ऊंचा नीचा ज़रूर हो गया, क्योंकि इतने बड़े रोड हैं, और लेकिन ये बड़ी दुर्घटना को भी बुलावा ज़रूर दे सकता है। अगर बात की जाए कि जिस तरह से हाईवे है वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हैवी व्हीकल्स इसी तरह से जो है वो निकलते हैं। ऊपर जो आप कैमरास देख सकते हैं जहाँ लगे थे, वो कैमरे भी आपको टूटे हुए ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। और काफ़ी जो है ये पुल है कुरुक्षेत्रा के पास, उमरी के पास, जी हाँ, कुरुक्षेत्रा के उमरी के पास ये पुल है, जहाँ पर रात 11 बजे ये पूरा हादसा होता है। ये बड़े बॉयलर हैं जो यहाँ से बताया जा रहा है हिमाचल से पंजाब की तरफ होते हुए यूपी जाने थे। जी हाँ, यूपी जो है इन्होंने जाना था, लेकिन जब यहाँ से ये निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बॉयलर फंस जाता है, यहाँ पर फंस जाता है। ये फुटओवर ब्रिज है, और ये सड़क आपको दिखा दें नीचे जो बनी है, इसके ऊपर जो पुल के टुकड़े वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये ट्रेलर आप देख सकते हैं जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ये बड़ा बॉयलर रखा हुआ। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये बड़ा हादसा ज़रूर है, क्योंकि अब फिलहाल बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ेगी इसको हटाने के लिए, क्योंकि
अगर बात की जाए ये पुल जिस तरह से बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर देख सकते हैं कैमरा किस तरह से लगे हुए, चलान वगैरह के लिए हाईवे पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए कैमरा लगे हुए, उनको भी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं जो ब्रिज है उसको भी नुकसान हुआ है। एक बार गाड़ी का नंबर भी आपको बता दें, HP12H9134 ये नंबर है। और अगर आगे की तरफ दिखा दें, यहाँ पर फिलहाल जो गाड़ियाँ उनको निकाला जरूर जा रहा है साइड पर, बीच में जो ये लगा हुआ है उसको यहीं पर रोका गया और कहीं ना कहीं जो ऊपर कैमराज लगे हैं वो भी टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ जो ब्रिज है, ब्रिज का जो एक जहाँ से ये टकराया है वो हिस्सा भी ऊपर उठ चुका है, यानी कि इस बॉयलर के निकलने के लिए इसकी जो ऊँचाई है वो पर्याप्त नहीं है। अब वो किस वजह से नहीं है ये समझने वाली बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सड़क का नया निर्माण हुआ है हो सकता है सड़क एक आधा इंच जो है वो ऊपर होगी, क्योंकि बताया जा रहा है जहाँ ये बॉयलर पिछले पुलों से निकल के आया वहाँ पर भी इतना इतना यानी कि बहुत थोड़ा ही गैप रहा था। बस ये है कि जो ये ट्रक है वो निकल जरूर जाता था, लेकिन शायद वो ऊंचाई या फिर मोटाई की बात करें तो वो कहीं किसी जगह से उस अनुसार नहीं रही, जिसकी वजह से ये ऊपर टकराता है। और पुल अगर नीचे देखेंगे तो टुकड़े जो है वो पुल के नज़र आ जाएंगे। ये इस पुल की बात की जाए तो ये फुट ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं ताकि इस पर से अगर किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, पैदल यात्रियों के लिए होते हैं ताकि उनको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसलिए ज़रूर बनाए जाते हैं। और बड़ा बॉयलर इस पे है जिसकी वजह से ये पुल से टकरा गया है। और यहाँ से अगर बात की जाए, फिलहाल बताया जा रहा है रात को सभी पुलिस प्रशासन मौके पर ज़रूर पहुँचा था और जो बता रहे हाईवे के इंजीनियर वगैरह उनका जो कहना है कि इस पुल को यहाँ से हटाकर काटकर ही जो है यहाँ से शायद इस बॉयलर को निकाला जा सकता है। ये बड़ा बॉयलर है, देखने में ही आपको विशालकाय ज़रूर नज़र आ जाएगा और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि कितना जो है बड़ा हादसा है। गनीमत ये है कि चालक सुरक्षित है और इसको निकालने का प्रयास बताया जा रहा है किया जाएगा। जेसीबी एक बार जरूर बुलाई गई है, वहाँ पर देख सकते हैं क्रेन जो है वो जरूर बुलाई गई है कि शायद क्रेन की मदद से इसको हटाया जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही भारी होते हैं, बड़े होते हैं और इसके अंदर एक और बॉयलर जैसी चीज़ भी आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अकेली क्रेन की मदद से इसको हटाया नहीं जा सकता और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा ज़रूर रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, पुलिस पोस्ट बिल्कुल पास में है, हाईवे पुलिस पोस्ट हुआ करती हैं। और ये साथ साथ कहीं ना कहीं जो है ड्राइवर यहाँ था और पीछे टकराने की वजह से जो ड्राइवर है वो सुरक्षित है, क्योंकि ड्राइवर अगले हिस्से में होता और पीछे ये ट्रेलर पर ज़रूर रखा हुआ था। और बॉयलर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुल को काफ़ी नुकसान हुआ, जब इसे हटाया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी कि पुल कितना कुछ सुरक्षित है, क्योंकि वो शायद उस पर से जाने लायक वो सुरक्षित ना बचे, क्योंकि उसका एक हिस्सा जो है वो टूटा ज़रूर है, उठा है, आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से वो टूटा है। और कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल हाईवे और यहाँ पर सफ़र करते हुए काफ़ी सावधानी ज़रूर जो है वो बरतनी चाहिए। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैवी व्हीकल है, बड़ा व्हीकल है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान जो है वो पुल, आप देख सकते हैं कि लोहे के ग्रिल्स उस पर लगी हुई है और अच्छा खासा सीमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो इससे टकराया है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और आगे की तरफ से जो है मास्क लगाकर कई तरह की चीज़ें जो है लगाकर रेड मार्क जो है अलर्ट करके जारी कर रहे हैं कि ताकि कोई इसमें भीड़ ना जाए, कोई व्हीकल साइड से निकले। जगह जरूर दी गई है, यानी कि नेशनल हाईवे जो 44 है चंडीगढ़ से दिल्ली वाला रास्ता है वो सुचारू रूप से संचालित जरूर है, लेकिन आप बात करें तो काफ़ी जो है नुकसान इसको ज़रूर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कैमरे में भी शायद ये घटना ज़रूर कैद हुई होगी, जो चलानिंग के लिए कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि ये क्रेन बुलाई जरूर गई है, लेकिन फिलहाल इसकी जो है ये बस की बात भी नहीं है कि इतने बड़े बॉयलर को हटाया जा सके। और काफ़ी कुछ नुकसान देख आपने देखा और बताया जा रहा है, जो ड्राइवर का कहना है कि वो शिमला से पंजाब होते हुए यूपी की तरफ जा रहा था, शुगर मिल में ये बॉयलर जाने हैं। आप देख सकते हैं कितने हैवी बॉयलर हैं, बड़े बॉयलर हैं, जिसकी वजह से पीछे की तरफ अगर जब ये टकराया होगा तो आप देख सकते हैं कि पहले जो वहाँ की ग्रिल है, यानी कि शायद जो ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, स्पोर्ट सिस्टम इसका लगा हुआ है, उससे ये टकराया, यानी कि जो स्पोर्ट सिस्टम जो ऊंचा है मे भी उससे ये टकराया, क्योंकि जो पुल है वो काफ़ी अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, पहले ये इस ग्रिल
से टकराए, इसको क्रॉस करता हुआ निकला है, लेकिन आगे वाले जो ग्रिल है शायद ये उसको दबा नहीं पाया। जिस तरह से इसका कंचूबर निकला हुआ जरूर नजर आ रहा है, आगे की ग्रिल पर जाकर ये अटका हुआ, यानी कि जिसके स्पॉट पर पुल लगाया गया। तो यहाँ पर अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करें, और नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि जो पुल है वो आपके मानकों के अनुसार है या नहीं, और आप जो है उसके नीचे से जा सकते हैं नहीं। पहले एक बार जो है गाड़ी को रोक कर भी आप ये जांच कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह जो है वो सड़कें दोबारा से बनाई जा रही है, जिसकी वजह से शायद जो है वो पुल थोड़ा नीचे ज़रूर हो गया हो, क्योंकि सड़कें ऊंची ज़रूर हो जाती है, दोबारा से अगर आप अंदाज़ा लगा कोई चीज़ बनी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है थोड़ी बहुत ऊंचाई का फ़र्क ज़रूर आ जाता है। फिलहाल ये है कि बचाव हो गया, चालक सुरक्षित है, और इसको जल्द ही यहाँ से हटाने का प्रयास भी किया जाएगा। आपसे अपील, जो वीडियो को देखें वो वीडियो को शेयर करें, और उन तमाम ड्राइवर्स तक, उन हैवी व्हीकल ड्राइवर्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी सावधानी बरत सके, और इस तरह के जब वो हैवी चीज़ें लेकर नेशनल हाईवे से निकलते और इस तरह का पुल आता है तो वहाँ पर वो पहले इस बात की जांच दे, जांच कर ले, परख ले कि इतना बड़ा व्हीकल वहाँ से निकल सकता है नहीं, क्योंकि वैसे आमतौर पर जो है नेशनल हाईवे पर जो पुलों की ऊँचाई बनाई जाती है वो अच्छी खासी बनाई जाती है, ताकि हैवी व्हीकल जो होते हैं, कई बार बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर ट्रक होते हैं, वो भी बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आई है, जिसके चलते जरूर यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। और अगर बात की जाए, आप यहाँ पर टायर्स देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि टायर पंचर नज़र आ रहे हैं, टायर की हवा जो है वो निकली हुई नज़र आ रही है, और जिस तरह से निकली हुई नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रेस जरूर हुआ है, दबा जरूर है ऊपर की वजह से, ये नीचे दबा, जिसकी वजह से काफ़ी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉयलर यहाँ से नहीं निकल सकता था, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस यहाँ पर भी है, अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है नीचे प्रेस हुआ है, जो टायर है वो प्रेस हुए हैं, दबे हैं, और उसके बाद ऊपर से भी जो है वो प्रेस हुई हैं, ग्रिलें जो लगी हुई हैं लोहे की, मोटे मोटे जो खंभे लगे हैं वो प्रेस हुए, उसके बावजूद नहीं निकल पाया, तो ये बॉयलर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, या फिर जो है पुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सड़क बनी है, महज 6 महीने पहले बताया जा रहा है ये सड़क बनी थी, तो हो सकता है ये थोड़ी ऊँची हो गई हो, और लेकिन अगर बात की जाए तो ये पुल पुराना है, इसीलिए शायद ये बड़ा हादसा हुआ होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है, चालक सुरक्षित है, आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें और सावधानी ज़रूर बरतें। एक तो नेशनल हाईवे पर ओवरटेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवरटेक के चक्कर में अगली गाड़ियों में जाकर ज़ोरदार टक्कर होती है, जिसके चलते बहुत सी मौतें भी सामने आती हैं, और वहीं इस तरह के हादसे भी सामने आते हैं, जो ऊपर से अगर आप देखें हैवी व्हीकल चालकों के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है, कि अगर जो है ये ड्राइवर का जो अगला हिस्सा है जहाँ पर ड्राइविंग सीट है वो आगे की तरफ ना होता तो उसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं पुल का हिस्सा गिर सकता था, उसको भी जो है ये काफ़ी सारे जो है आपको पत्थर नज़र आ रहे, टुकड़े नज़र आ रहे, उनके ऊपर गिर सकते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपसे अपील, वीडियो को शेयर करें, तमाम तस्वीरें कुरुक्षेत्र के उमरी से, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ कुरुक्षेत्र के पास से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।